Once Upon a Time in Mumbai सबने देखी है। अब उसके ही डायरेक्टर एक सीरीज ला रहे हैं दिल्ली के बैकड्रॉप पर, जहां वो दिल्ली की पुरानी पॉलिटिक्स एंड क्राइम वर्ल्ड को दिखाएंगे। सीरीज का ट्रेलर आ चुका है एंड आज हम इसी ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। सो ट्रेलर देख तो कहानी है कि चीज समझ आ रही है कि कहानी है ऐसी की जो पार्टीशन के वक्त दिल्ली आया और फिर क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया और इस सबके बीच उसने अपना बहुत कुछ खोया इंक्लूडिंग प्यार। ट्रेलर काफी कुछ स्टोरी के एंगल्स दिखा देता है कि कैसे हमारे तरीके से राज भसीन किसी गैंग के मेंबर्स बनते हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं कि वो अपनी ही गैंग के अगेंस्ट हो जाते हैं या गैंग उनके अगेंस्ट हो जाती है, जिसके बाद वो फैसला लेंगे कि अब उन्हें किसी के लिए काम नहीं करना बट खुद राज करना है। और ये कहानी है दिल्ली के सुल्तान की। सीरीज की टाइमलाइन भी 1962 से बताई गई है और अब सब कुछ हमारे सामने है। बट फिर अलग क्या है? अलग है डायरेक्टर का ट्रीटमेंट और इस कहानी को डायरेक्ट कर रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और डर्टी पिक्चर के डायरेक्टर मिलन लुथरिया, एंड इनका साथ दे रहे हैं सुपर्ण वर्मा, जिन्होंने इससे पहले फैमिली मैन और राणा नायडू जैसी सीरीज डायरेक्ट की है। तो होप्स तो है इन डायरेक्टर से, इनके अलावा कास्ट भी अच्छी लग रही है, स्टार्टिंग विद ताहिर राज भसीन जो यहाँ मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विद अंजुम शर्मा, एंड इनके अलावा मोनी रॉय, अनुप्रिया गोयनका, महरीन पीरजादा एंड विनय पाठक भी दिखेंगे। एंड लास्टली सीरीज में क्राइम, ड्रामा, लव एंड पॉलिटिक्स फॉर पावर काफी ज्यादा दिखने वाला है थ्रू आउट। सो वी आर एक्साइटेड कि वो कैसे प्ले आउट करेगा, स्पेशली जब इतने सारे एक्टर्स एंड इतनी बड़ी स्टोरी है। सीरीज का ज्यादा वेट नहीं करना होगा बिकॉज इट्स कमिंग ऑन 13th of October ऑन अ मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपने सुल्तान ऑफ दिल्ली का ट्रेलर देखा तो आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ नहीं देखा तो डू वॉच इट।